हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। यहाँ सुबह का टाइम है, मैं जो बच्चों को नाश्ता बना के दे रही हूँ। पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो है अपनी किचन साफ कर लूँगी, ये स्लेप व्लेप साफ कर लूँगी और उसके बाद फिर बाकी का काम शुरू होगा। और आज गर्मी बहुत भयंकर, बहुत बुरी गर्मी हो रही है और दिन प्रतिदिन गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। इतना बुरा हाल होता है, रोज़ पिछले दिन से ज़्यादा गर्मी होती है। तो आज तो नाश्ता बनाते हुए भी बहुत बुरा हाल हो गया था, पसीना इस तरीके से टपक रहा था जैसे अभी सिर धुला हो। इतने बालों में से तो पसीना सूखने का मतलब ही नहीं होता, इतनी बुरी गर्मी पड़ रही है। मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन गाउन गाउन में रहूं, लेकिन क्या करूं, वीडियो बनानी होती है तो सूट वूट तो पहनने ही पड़ते हैं। नहीं तो मैं पूरा पूरा दिन, कभी ऐसा होता था कि जब मैं कुछ काम नहीं करती थी तो मैं पूरा पूरा दिन नाइट सूट में निकाल देती थी, पूरा दिन नाइट सूट पहनती थी मैं। और सुहाना, जब हम सुहाना के घर में आए थे नए नए, तब सुहाना मैं यही पहनती थी नाइट सूट वगैरह ही। तो सुहाना बोलती थी, श्रेया दीदी आपकी मम्मा के पास सूट या साड़ी नहीं है, कि वो पूरा दिन नाइट सूट में ही रहती हैं। तब मैंने सोचा, मैंने कहा जब एक बच्ची के दिमाग में ये चीज़ आ गई है, तब तो ये बहुत छोटी थी और जब हम लोग आए थे इनके घर में तब 5-6 साल की बात हो गई। तो मैंने कहा जब एक बच्ची ऐसा बोल सकती है तो सभी के दिमाग में आता होगा कि ये पूरा दिन नाइट सूट में ही रहती है। तब से मैंने फिर छोड़ दिया था नाइट सूट पहनना, फिर मैं नाइट सूट का काम नाइट में ही करती थी, नाइट में ही पहनती थी। तो तब से मैंने सूट पहनना स्टार्ट किया है घर में, नहीं तो घर में मुझे नाइट सूट पहनना ही अच्छा लगता था क्योंकि हल्का फुल्का सा और गर्मी भी नहीं लगती है ना। बहुत बुरा हाल। और आज जो ये सूट मैंने पहना हुआ है, ये जब मैंने सिलवाया तब मुझे पूरा टाइट था ये सूट और अभी आप देख सकते हो कि कितना लूज़ हो रखा है। और जब मैंने सुबह ये पहना सूट तो मेरे को इतना, मतलब इतनी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि फाइनली चलो कम हो ही रहा है। क्योंकि आपको इतना वैसे नहीं पता चलता, अभी वेट तो मेरा रुक गया है लेकिन इंचेस लॉस हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि वेट रुक जाता है और इंचेस में आपका वज़न, आपका जो है इंचेस जाता है, तो अभी मेरे इंचेस जा रहे हैं। तो वो मुझे मेरे कपड़ों से पता चलता है, जो मेरे पुराने कपड़े हैं उनसे पता चलता है। तो ये मैंने पहना तो इतना अच्छा लगा मुझे कि हाँ अब वाकई रियली में मैं हो रही हूँ। अभी अगर मैं इसमें 2.5-3 इंच, 1.5-1.5 इंच दोनों तरफ से दबाऊँ तब भी ये लूज़ ही रहेगा, इतना लूज़ हो रखा था। तो यहाँ मैं, ये देखिए आज एक काम भी गड़बड़ हो गया, ये सुबह सुबह एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है मेरा। मेरा इसके बिना तो मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, चॉपर के बिना, क्योंकि मैं इसके बगैर कुछ भी काम नहीं कर सकती। और ये सुबह सुबह जो है निकल गया और ये ठीक भी नहीं हुआ था, फिर अब मेरे को दूसरा ही चॉपर लेना पड़ेगा, इतना बड़ा नुकसान हो गया सुबह ही सुबह। तो यहाँ प्याज के परांठे मुझे बनाने थे और प्याज के परांठे में जो इसमें प्याज ले ली थी मैंने, हरी मिर्च, हरा धनिया, सब मैंने इसी में ही चॉप कर लिया था। और पता नहीं इसमें क्या हुआ, अचानक से ये चॉप का जो रस्सी होती है वो बाहर ही निकल आई सारी। फिर इन्होंने ठीक भी करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। तो अब बच्चों को दूध भी देना था, दूध दे रही हूँ और ये आटा बना दूँगी मैं। आटे में ही प्याज गूँथ रही हूँ आज ना, क्योंकि गर्मी बहुत है, भर के बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और वैसे भी मैं, आपने देखा होगा, अधिकतर इसी तरीके से परांठे बनाती हूँ, सिर्फ आलू के परांठे वैसे बनाती हूँ भरवा, मेरे को यही ईजी लगते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं और टेस्ट भी लगते हैं। टेस्ट में वैसे कोई अंतर नहीं आता, ज़्यादा अच्छे लगते हैं बल्कि मेरे को, तो मैं तो खाती ही नहीं हूँ। मैंने एक रोटी खाई थी इसकी प्याज की, तो एक रोटी और कॉफ़ी। अभी मैं नाश्ता मैंने सुबह में जो है शुरू कर दिया है, अभी आटा बना करके इनको फिर नाश्ता दे दूँगी मैं। और नाश्ता करने के बाद फिर देखती हूँ, आज बहुत अलमारी वलमारी भी लगवानी है। मेरी अलमारी इतनी बुरी हालत हो रही है मेरी अलमारी की कि कोई भी कपड़ा मैं निकालने चलूँ मुझे कपड़ा ही नहीं मिलता, इतनी बुरी हालत हो रही है।
तो मैं सोच रही हूँ चलो आज या तो फ्रिज साफ़ करूँगी या अलमारी लगाऊँगी। तो फ्रिज भी बहुत गंदा हो रहा है, उसको भी साफ़ करना है। गंदा तो नहीं लेकिन हाँ कर ही लेना चाहिए, तो उसे भी साफ़ करना है। और यहाँ ये देखिए चाय बन गई है साहब के लिए, एक कप चाय कड़क। मैं दूध में पत्ती ही लगा देती हूँ। और सुबह का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था, फिर आज कुछ काम भी आ गया था मेरे पास एक्स्ट्रा, और उसकी वजह से फिर मैं आज खाने में जो है ये ही पुलाव ही बना पाई हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं था। 2:30 बजे मैं फ्री हुई थी और 2:15 बजे फ्री हुई थी, और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मैं यही न्यूट्रेला वाला पुलाव बना देती हूँ, बच्चों को पसंद भी है। और मैंने भी थोड़ा सा यही खा लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कहा अब अपने लिए अलग से क्या बनाऊँ, वैसे तो मन कर रहा था चलो वो बना लेती हूँ पोहा या दलिया, लेकिन फिर मन नहीं था बिल्कुल भी, थक चुकी थी बहुत बुरी तरीके से। और कपड़े भी धुलने थे क्योंकि बृहस्पत है कल, बृहस्पत में फिर मैं मशीन नहीं लगाती। और ये मैंने खुद से ही घी बनाया हुआ है मलाई से, और घी बहुत कम ही लेती हूँ मैं। जब से मैंने ये दूसरा दूध लगाया तब से मैं घी कम लेती हूँ। और यहाँ ये देखिए श्रेया, मैं कॉफ़ी पी रही हूँ और श्रेया लग गई थी आज मेरी हेल्प के लिए। हेल्प क्या था, सारा कुछ फिर इसी ने किया था, मैंने तो सिर्फ बताया था, मैंने कहा ऐसे ऐसे करना है। अब मैंने किया क्या है कि जितने भी मेरे हैवी सूट थे जो सिंथेटिक थे, हैवी थे, जो अब नहीं पहने जा रहे हैं, अभी इस मौसम में तो उनको पहनना सोच भी नहीं सकती, इतनी बुरी गर्मी हो रही है, तो वो वाले कपड़े और साड़ियाँ मैंने कहा तू ये 2 बैग हैं इनमें रख दे, और जब ज़रूरत होगी तब इनको निकाल लेंगे। क्योंकि बहुत इतनी जगह, मतलब हैवी कपड़े ये है कि कभी कहीं जा रहे हैं या कोई पार्टी वगैरह है तब पहन लिए, और सूट तो वैसे भी नहीं पहने जा रहे हैं अभी इतने हैवी गर्मी है। कॉटन के सूट सारे मैंने बाहर रखवा लिए थे जो थोड़ा सा ठीक थे आने जाने वाले, बाकी सब मैंने बैग में रखवा दिए थे। और ये जो सोफ़े पे पड़े हुए हैं कपड़े ये भी रखने हैं, अभी यहाँ थोड़ा ठीक से सूट नहीं कर पाई मैं क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। और यहाँ मुझसे ज़्यादा अच्छे से अलमारी सेट करती है श्रेया, इसलिए मैंने कहा चल बेटा तू ही करवा दे। और ये देखिए सारे हैवी सूट है इनका, नीचे भी इसमें तो ये जो सारे ही सिंथेटिक हैं, ये नहीं पहने जाते इन दिनों, तो इनको मैंने बैग में लगवा करके अलमारी में ही रखवा दिया था ऊपर की साइड। और मैंने एक तरफ मशीन लगाई हुई है, बीच बीच में मैं कपड़े भी देख रही हूँ, और श्रेया ये काम कर रही है। श्रेया कह रही थी मम्मा मैं खुद कर लूँगी, और आप सिर्फ बता दो कि कौन से बैग में क्या रखना है, फिर कभी आप ढूंढती रहो। और तय तो ये बहुत ही अच्छी बनाती है, छोटी छोटी तय बना करके इस तरीके से थोड़ी सी जगह में कपड़े लगा देती है। श्रेया जो भी काम करती है ना बहुत अच्छा करती है, मन खुश हो जाता है उसका काम देख के। ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी करी और कर दिया, और ये भी नहीं है, इसको कभी मैं अगर संगवाने के लिए बोल देती हूँ तो ये नहीं है कि कहीं का सामान कहीं उठा करके ठूस दिया, उसको मैनेज करके बहुत अच्छे से रखती है और मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से। वही है ना कि बच्चा जैसा देखता है, जैसा करते हुए देखता है वैसा ही सीख लेता है भले से ही। और एक माँ को इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि उसकी बेटी उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। बहुत मुझे तो बहुत खुशी होती है उसका काम देख देख के। उस दिन मंदिर लगाया था, मंदिर भी इतना बढ़िया लगा रखा है, बहुत बढ़िया, मुझे कुछ भी अलग से उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो वो कर देती है। कब आज तक का ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसको दोबारा किया हो या थोड़ा बहुत भी ठीक किया हो, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करती है, कभी भी शिकायत का मौका नहीं करती देती। और वैसे तो आप वीडियोज़ में देखते ही हैं उसको कि कितने तरीके से काम करती है। और अभी जैसे कि छुट्टियां भी चल रही हैं, छुट्टियों में मेरे को भी फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा बहुत काम करवा ही देती है। और ये देखिए इस तरीके से बैग में जो है सूट लगा करके ऊपर रख दिए थे, और बाकी के थोड़े से मेरे सूट आने जाने वाले हैंगर में टांग दिए, और ये बाकी के
सलवार सूट एक साइड, पैंट सूट एक साइड, और ये नीचे थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा सामान है। और यहाँ इसने मेरे सारे सूटों के जो डेली यूज़ के सूट हैं उनके सबके दुपट्टे, ये डेली यूज़ के जो सूट हैं उनके दुपट्टे हैं, पार्टी वेयर जो सूट हैं उनके उन्हीं के साथ इसने रख दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखिए।